आपको पता है आपकी बेटी लंच बॉक्स में क्या लेकर आती है स्कूल में? क्या? नॉनवेज। पापा, जैसे मैं लंच टाइम में लंच कर रही थी ना, तो मैम ने मेरे टिफिन में देख लिया था कि मैं नॉनवेज लेकर आई थी, लेकिन आपने तो दिया था मुझे नॉनवेज। अब इसमें गलत क्या है? नॉनवेज लाना स्कूल में गलत बात होती है क्या? अब आप ही बात करो मैम से। मुझे नहीं पता गलत बात होती है फिर नहीं होती। मुझे जल्दी से क्लासरूम में जाना है, मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही है। बेटे एक बात बताओ, आपको मैंने और बाकी सारे टीचर्स ने कितने बार मना कर दिया कि स्कूल में नॉनवेज नहीं लेकर आना? 2-4 बार। अभी जाओ क्लासरूम में और पढ़ाई करो, और मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद स्कूल में नॉनवेज नहीं लेकर आना। जाओ पढ़ाई करो। सुना आपने? मैंने सुन भी लिया और देख भी लिया। नॉनवेज लाना कुछ गलत तो ही ना होता है? आप जो कर रही हैं हमारी बेटी के साथ वो गलत है, ये सब नहीं कर सकती आप। आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं एडवोकेट हूँ आपका। मैं स्कूल छुट्टियों में बंद करवा सकता हूँ। तो ये जो आप कर रही हैं ये दादागिरी है, ये बंद कीजिए आप। आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं? ये एक स्कूल है, शिक्षा का मंदिर, और अगर आप कभी मंदिर जाते हैं तो मंदिर में नॉनवेज लेकर जाते हैं, तो हम यहाँ बच्चों को स्कूल में कैसे अलाउड करते नॉनवेज लेकर आना? और कैसे पेरेंट्स हैं आप? शर्म आनी चाहिए आप जैसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चे को लंच बॉक्स में नॉनवेज देकर भेजते हो। देखिए मैडम, मुझे मत बताइए कि मेरी बच्ची के लंच बॉक्स में क्या देना है क्या नहीं देना है। आप प्लीज़ पढ़ाई करवाइए बच्चों का स्कूल में सही से। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं आपको समझा सकूँ, पर आप तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। बच्चे स्कूल में क्यों आते हैं? ताकि वो कुछ सीख सकें। पर अगर आपकी बेटी यहाँ स्कूल में नॉनवेज लेकर आएगी तो बाकी सारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? और अगर आपकी बेटी को घर पर नॉनवेज खिलाना है या नहीं खिलाना है आपका पर्सनल मैटर है, पर यहाँ आप नॉनवेज नहीं भेज सकते अपने बच्चे के लंच बॉक्स में। यहाँ स्कूल में बच्चे वही करेंगे जो टीचर्स उनको करने को बोलेंगे, क्योंकि सारे बच्चे हमारे लिए इक्वल हैं, और स्कूल एक शिक्षा का मंदिर होता है। मैं यहाँ का माहौल ख़राब नहीं करने दूँगी। अब आप जा सकते हैं यहाँ से, मेरी मीटिंग है। आपने जो ये बदतमीज़ी की है मेरे साथ, इसका परिणाम आपको और आपके स्कूल को बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। हेलो, ये सुनीता देवी बोल रही हैं? हाँ जी, मैं एमएलए बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। 2 दिन पहले तुमने क्या किया? क्या किया सर? आपने किसी एडवोकेट के साथ बदतमीजी की थी। आपने कहा कि आप उसकी बेटी की टीसी काट देंगे। आप गुंडागर्दी पर आ गई हैं। इतनी हिम्मत हो गई आप लोगों की? सर आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो समझिए आप। बस अब अगली बार से अगर आपने किसी भी पेरेंट्स को परेशान किया या उन्हें टीसी काटने की धमकी दी तो मैं आपका ट्रांसफर करवा दूंगा। पर सर मेरी बात तो बस, अब दोबारा नहीं सुनना मुझे। केस तो छुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे हाँ बेफिक्र रहिए आप। सर ये प्रिंसिपल मैम ने आपके लिए भिजवाया है, उनके पास एमएलए का कॉल आया था तो उन्होंने आपके लिए सॉरी भिजवाया है, और ये अच्छा सॉरी तो बोलना ही था उसे, बदतमीजी की थी मेरे साथ, अब अकल ठिकाने आ गई होगी उसकी। मेरी बच्ची कुछ भी लेकर जाए उसमें उसका क्या? ठीक है चाहो तो। देख तो लूं भेजा क्या है इसने। इसे मैं बताता हूं। मैडम ये क्या बदतमीजी है, जब आपको पता था कि हमारे यहाँ आज पूजा है तो आपने जानबूझ के हमारे नॉनवेज भेजा है, ये तो गलत बात है ना। आप बदला निकाल रही है हमारे साथ? आज के दिन हमारे यहाँ ये सब नहीं खाते, ना ही घर में इसको लाते हैं, क्या है ये सब? पर आप लोग तो नॉनवेज खाते हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? खाते हैं लेकिन इस दिन नहीं खाते हम लोग ये सब। पूजा के दिन ये सब खाना अपशगुन होता है, ये सब चीज़ नहीं लाया जाता घर में, आपको इतना तो समझ होना चाहिए। मुझे पता है आपने बदला लिया है हमसे उस दिन एमएलए को जो हमने फ़ोन किया था इस बात पे। तो सर यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, आपको बताना चाहती थी, सिखाना चाहती थी कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। मैंने जो किया वो गलत कैसे है? जो आपने किया वो गलत है। अच्छा तो आपने स्कूल में अपनी बेटी के लंच बॉक्स में नॉनवेज भेजा वो सही था। सर स्कूल भी तो मंदिर होता है ना, जैसे आपके घर में नॉनवेज भेजना गलत था उसी तरीके से स्कूल में भी नॉनवेज भेजना गलत होता है। कैसे? आपके घर में पूजा वाले दिन नॉनवेज नहीं लेकर आ सकते क्योंकि घर में पूजा होती है।
घर पवित्र होता है, इसलिए हम नॉनवेज नहीं बना सकते उस दिन। और आज मैंने आपके घर में नॉनवेज भेजा तो आपको गुस्सा आ रहा है। पर सर, आप जो डेली अपनी बेटी के लंच बॉक्स में नॉनवेज भेजते थे, वो भी तो गलत था ना। स्कूल एक शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ अच्छा सीखने के लिए आते हैं, और वहाँ ये सब अलाउड नहीं होता है। बस इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। और अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं चाहती थी कि आपको इस बात का सबक मिले, आप समझे इस बात को। मैंने आपको ये सब समझाने की बहुत कोशिश करी, पर आपको तो मेरी बात कभी समझ में आई नहीं, तब जाकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला कि मैं ईगो में आके आपको क्या क्या बोल गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने जो भी किया बहुत शर्मिंदा हूँ मैं उस चीज़ पे। स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं भेजनी चाहिए थी, मैं बस थोड़ा ईगो में आ गया था, इस वजह से मैंने भेज दिया था। पर हाँ, मुझे पता चल गया है कि स्कूल एक शिक्षा का मंदिर होता है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैम, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा।